हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 है और समीकरण हमारा ये है 2x प्लस 3y बराबर के। तो बहुत ही सिंपल है ये। इसमें x की जगह पर आप 2 रख दीजिए, क्योंकि x बराबर हमें 2 बताया गया है, और y की जगह पर हमें 1 रख देना है। तो y की जगह पर यहाँ पे 1 रखेंगे तो k का सीधा सा मान हमें दिख ही रहा है, 7 आएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया समीकरण। ये हमें समीकरण दिया गया है। अब हमें x बराबर 2 और y बराबर 1 रखना है, तो इसे हम समीकरण 1 भी बना सकते हैं। और इसमें हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर। चलिए रख देते हैं, जहां पर x है उसकी जगह पर 2 रखेंगे। पहले क्या लिखा है? 2। यहां से स्टार्ट करना है, पहले तो 2 लिखा है तो 2 रखेंगे। उसके बाद लिखा है x, तो x की जगह पर कितना रखना है? 2। प्लस है तो प्लस, फिर लिखा है 3 तो 3, और y की जगह पर 1 रखेंगे। बराबर कितना आएगा? k। 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k आ जाएगा। तो 4 और 3 कितना आएगा? 7 बराबर k। और यहाँ पे ये आ जाएगा k का मान। तो बड़ा ही सिंपल है, ये विकल्पों में आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये 4.2 आपको समझ में आई होगी। आप इसी तरीके से अध्ययन करते रहें, निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि आप यदि निरंतर पढ़ाई करेंगे तो आप सफलता की बुलंदियों को छू जाएंगे। और भले ही आप कम पढ़ें, लेकिन डेली ज़रूर पढ़ें, उससे आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।